हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल BRA एजुकेशन सेंटर। माय इंजीनियर ब्रजेश भारती आपको एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल में स्वागत करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हम टेक्निकल सब्जेक्ट स्टार्ट किए हैं दोस्तों, बिल्डिंग मटेरियल। यदि आप लोग पॉलिटेक्निक IERT या VTech सिविल इंजीनियरिंग से किए हों और SSC JEE या स्टेट किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हों, SSC JEE या स्टेट सिविल JEE की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़कर आप अपनी तैयारी को और भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, अपनी तैयारी को और भी बहुत अच्छे तरीके से बूस्ट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम टेक्निकल में सबसे पहले लिए हैं बिल्डिंग तो दोस्तों, टेक्निकल में सबसे पहले हम बिल्डिंग मटेरियल लिए हैं। बिल्डिंग मटेरियल में मैं पहला चैप्टर लिया हूँ वेल्डिंग स्टोन। वेल्डिंग स्टोन का दोस्तों 1 से 50 क्वेश्चन तक मैं करा दिया हूँ वीडियो, आप मेरे प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। अब उसके आगे से कराएंगे दोस्तों, तो आइए देखते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। देखिए, मृत्तिकामय पदार्थ होती है, तो पहला ऑप्शन है जो मुख्य घटक के रूप में एलुमिना है, जो ऑप्शन बी मुख्य घटक के रूप में चूना है, ऑप्शन सी जो पानी के डालने पर गर्मी देता है, ऑप्शन डी है जो हल्के से हथौड़ा चलाने पर आसानी से टूट जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, एक्सप्लेनेशन है, मृत्तिकामय पदार्थ वह पदार्थ होता है जिसमें मृत्तिका या एलुमिना मुख्य घटक के रूप में पाया जाता है। इनमें कुछ अन्य पदार्थ जैसे सिलिका, चूना इत्यादि की मात्रा कम मात्रा पाई जाती है। ये पर्याप्त सघन व कठोर होते हैं, परंतु भंगुर होते हैं, अर्थात ये आघात या झटके वहन नहीं कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित परीक्षणों में से कौन सा परीक्षण जो मूल मिलावे के घर्षण प्रतिरोध के लिए उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए है देवल एट्रिशन परीक्षण, ऑप्शन बी डोरी परीक्षण, डोरी घर्षण परीक्षण, ऑप्शन सी है लॉस एंजिल परीक्षण, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मिलावे का अपघर्षण परीक्षण, लॉस एंजिल परीक्षण, डोवेल या डोरी यंत्रों द्वारा किया जाता है। सामान्य कार्यों के लिए प्रयोग किए जाने वाले पत्थर का अपघर्षण मान 50% तथा अपघर्षणीय सतहों के लिए 30% से अधिक नहीं लिया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संलग्न सामर्थ्य इमारतों के निर्माण में उपयोग किए जाने वाली अच्छी गुणवत्ता के पत्थर को दर्शाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी सबसे अधिक। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इमारतों के निर्माण के लिए प्रयोग किए जाने वाले अच्छे गुणवत्ता वाले पत्थर की संलग्न सामर्थ्य 100 MPa से कम नहीं होना चाहिए। संलग्न सामर्थ्य क्रशिंग स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए संपीड़न मशीन का उपयोग करते हैं। यह परीक्षण IS 1121 से 1974 के अंतर्गत किया जाता है और प्रतिदर्श पर 140 kg/cm² पर मिनट की दर से भार लगाकर संलग्न सामर्थ्य ज्ञात किया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर पिघले हुए लावा का कठोरीकरण से इनमें से किसका निर्माण होता है? या ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है इसी को, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने पर पिघले मैग्मा के सुदृढ़ीकरण के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है? तो ऑप्शन है अवसादी चट्टान, ऑप्शन बी बेसाल्ट एंड ट्रैप, ऑप्शन सी ग्रेनाइट, ऑप्शन डी है कायंत्रित चट्टाने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, बेसाल्ट एंड ट्रैप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, एक्सप्लेनेशन है इसका,
पृथ्वी की सतह पर पिघले हुए लावा का कठोरीकरण बेसाल्ट एंड ट्रैप के निर्माण का कारण होता है। ये सामान्यतः अग्नि चट्टानें होती हैं। इस प्रकार की चट्टानों में कोई परत नहीं होती है, अतः यह अस्थिर चट्टान होती है। इन चट्टानों का वायुमंडली प्रभाव के कारण अपरदन हो जाने पर यह चट्टान भूमि के निकट आ जाती है। ऊपरी भूमि सतह पर आया हुआ लावा ठंडा हो जाता है, जो बेसाल्ट एंड ट्रैप के नाम से जाने जाते हैं। इस प्रकार के चट्टानों से प्राप्त पत्थर स्थिर पत्थर से अधिक कठोर मजबूत होते हैं, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलुमिना अथवा मृत्तिका जैसे मुख्य संघटकों वाली सेल कहलाती हैं। तो इसका ऑप्शन है, इसका ऑप्शन है अवसादी सेल, इनमें से कोई नहीं, मृत्तिकामय सेल और सिलिकामय सेल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस मृत्तिकामय सेल, आर्जिलिसियस रॉक। ठीक है, आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। एलुमिना अथवा मृत्तिका जैसे मुख्य संघटकों वाली सेल मृत्तिकामय सेल कहलाती है। यह पर्याप्त सघन व कठोर तथा भंगुर होती है, किंतु आघात या झटके वहन नहीं कर पाती हैं। स्लेट, लैटराइट, सिस्ट इत्यादि पत्थर मृत्तिकामय चट्टानों के अंतर्गत आते हैं। मृत्तिकामय सेल रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत आती हैं। ये चट्टानों में मृत्तिका या एलुमिना प्रधान घटक के रूप में होता है, तथा इसमें सिलिका चूना के भी कुछ अंश मिले रहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लेट और संगमरमर पत्थर से संबंधित हैं, मतलब स्लेट और संगमरमर पत्थर किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है अग्नेय चट्टान, ऑप्शन बी रूपांतरित या मेटामॉर्फिक चट्टान, ऑप्शन सी है तलछट चट्टान, ऑप्शन डी है परलिल या फोलिएटेड चट्टान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी है रूपांतरित या मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक। आइए इसका देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन है, जब अग्नेय तलछटी चट्टानी उच्च ताप एवं अधिक दाब पर अपनी काया का मूल रूप बदल लेती हैं, तो ऐसी चट्टानों को कायांतरिक चट्टानें कहते हैं। मूल चट्टान भूगर्भ में गहरे धंसकर उच्च ताप तथा अत्यधिक दाब के कारण अपनी काया बदल लेती हैं और खनिजों में बदल जाती हैं। ये कायांतरिक चट्टानें कठोर व टिकाऊ होती हैं, किंतु इन पर कार्य करना कठिन होता है। कायांतरण के कारण बलुआ पत्थर जो अवसादी चट्टान से प्राप्त होता है क्वार्टजाइट में बदल जाता है। सैल पत्थर कायांतरण के पश्चात स्लेट पत्थर का रूप धारण कर लेता है, अतः स्लेट तथा संगमरमर पत्थर कायांतरित चट्टानें होती हैं। संगमरमर पत्थर जो चूना पत्थर के कायांतरण के दौरान प्राप्त होती हैं, तथा स्लेट पत्थर सैल पत्थर के कायांतरण के दौरान प्राप्त होती हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसकी धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। तो पहला ऑप्शन है कठोर चट्टान, ऑप्शन बी है खुरदुरा बालू सघन और शुष्क, ऑप्शन सी है शुष्क बालू ढीला और शुष्क, ऑप्शन डी है काली कपास मृदा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कठोर चट्टान, ऑप्शन ए कठोर चट्टान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन है, भार धारण क्षमता मृदा का एक विशेष गुण होता है। विभिन्न मृदाओं की धारण क्षमता भिन्न होती है, जो मृदा की विशेषताओं पर निर्भर करता है। धारण क्षमता अनुभविक विधि द्वारा तथा गणनाओं द्वारा टरजागी समीकरण से ज्ञात किया जाता है। अस्थिर कठोर चट्टानों की धारण क्षमता 330 टन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जबकि शुष्क ससंजनहीन मृदा जैसे बालू की धारण क्षमता
का मान 45 टन पर मीटर स्क्वायर होता है। ससंजक मृदा का धारण क्षमता न्यूनतम 5 टन पर मीटर स्क्वायर तथा अधिकतम 25 टन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इस प्रकार दिए गए विकल्प के अनुसार कठोर चट्टान की धारण क्षमता सबसे अधिक होगी। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूना पत्थर को वर्गीकृत किया गया है। पहला ऑप्शन है इग्नीशियस रॉक, ऑप्शन बी है सेडिमेंटरी रॉक, तो इस ऑप्शन सी है। आइए सी देख लेते हैं। ऑप्शन सी है इसका मेटामॉर्फिक रॉक, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टान। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टान। तो इसमें पूछा गया था चूना पत्थर चट्टान को वर्गीकृत किया गया है। चूना पत्थर मतलब किसका एग्जाम्पल है, तो ये सेडिमेंटरी रॉक का है। आइए ब्रिनेल कठोरता परीक्षण में किस प्रकार का इंडेंटर प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है कठोर इस्पात कोन, ऑप्शन बी है मृदु इस्पात बाल, ऑप्शन सी कठोर इस्पात बाल, ऑप्शन डी है हीरक कोन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी कठोर इस्पात बाल। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है इसका, कठोर पत्थर की कठोरता ज्ञात करने के लिए ब्रिनेल कठोरता परीक्षण किया जाता है। इस उपकरण में प्रयुक्त इंडेंटर कठोर इस्पाती बाल का बना होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोंडम पत्थर की एक किस्म है और एक बहुत कठोर अपघर्षी पदार्थ है। तो इसका ऑप्शन है एमरी, कोक छोद और खंगरी और गट्टा पर्चा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एमरी, ऑप्शन ए एमरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। इसका एक्सप्लेनेशन है दोस्तों, एमरी कार्बोरेंडम पत्थर की एक किस्म होती है जो अत्यधिक कठोर तथा अपघर्षी पदार्थ होता है। इसका विशिष्ट गुरुत्व 3.5 से 3.8 के मध्य होता है। इसकी कठोरता मोह पैमाने पर नहीं ज्ञात किया जा सकता है। गहरे काले रंग का होता है, यह गहरे काले रंग का होता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेनाइट तथा रियलाइट निम्न में से किसका उदाहरण है। तो ऑप्शन ए है अवसादी शैल, ऑप्शन बी है स्थिरित शैल, ऑप्शन सी है अग्नेय शैल और ऑप्शन डी है कायांतरित शैल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी इग्नीशियस रॉक। इग्नीशियस रॉक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो इसका एक्सप्लेनेशन है दोस्तों, ग्रेनाइट रियोलाइट ट्रैप बेसाल्ट इत्यादि अग्नि चट्टानों से प्राप्त किए जाते हैं। ये चट्टानें ज्वालामुखी चट्टानें होती हैं जो अपेक्षाकृत अधिक ठोस सघन मजबूत तथा रवेदार होती हैं, जबकि भूमि की ऊपरी सतह पर जो चट्टानें बनती हैं वे ट्रैप बेसाल्ट इत्यादि के नाम से जानी जाती हैं। ये चट्टानें अरवेदार होती हैं। इग्नीशियस चट्टानें सामान्य तौर पर अस्थिरित होती हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूपांतरित चट्टान के लिए एक उदाहरण है। रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है ये पूछा है दोस्तों, तो आइए इसका देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। रूपांतरित शैल का उदाहरण है, तो पहला ऑप्शन है ग्रेनाइट, संगमरमर, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, संगमरमर जो है रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है, जब अग्नि तलछटी चट्टानें उच्च ताप एवं अधिक दाब पर अपनी काया का मूल रूप बदल लेती हैं तो ऐसी चट्टानों को कायांतरित चट्टानें कहते हैं। कायांतरण के कारण ग्रेनाइट जो अग्नि चट्टान है, नाइस चूना पत्थर जो तलछटी चट्टान है, संगमरमर बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट तथा शैल पत्थर स्लेट के रूप में बदल जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोन मेसोनरी पत्थर की चिनाई निर्माण में पत्थर पर लगने वाला दाब होना चाहिए। स्टोन मेसोनरी
निर्माण में पत्थर पर लगने वाला दाब होना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है संस्तरण तल की दिशा के अनुदिश, ऑप्शन बी है संस्तरण तल की दिशा के 45 डिग्री पर, ऑप्शन सी है संस्तरण तल की दिशा के 60 डिग्री पर, और ऑप्शन डी है संस्तरण तल की दिशा के लंबवत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संस्तरण तल की दिशा के लंबवत। ठीक है, क्वेश्चन था स्टोन मशीनरी निर्माण में पत्थर पर लगने वाला दाब होना चाहिए, तो संस्तरण तल की दिशा के लंबवत हो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन है इसका, पत्थर चिनाई निर्माण में पत्थर पर लगने वाला दाब संस्तरण तल की दिशा के लंबवत होना चाहिए। पत्थर चिनाई को पत्थर की गढ़ाई व कार्य की श्रेष्ठता के अनुसार मुख्यतः तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है रबल मशीनरी, ऑप्शन मतलब दूसरा नंबर है एस्लर मशीनरी, और तीसरा नंबर है ड्राई रबल मशीनरी। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट निम्न में से पत्थर का अपेक्षित घनत्व कौन सा हो सकता है जिसका प्रयोग निर्माण सामग्री के रूप में किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए है 2.7, ऑप्शन बी है 1.7, ऑप्शन सी है 1.9, ऑप्शन डी है 1.3। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2.7। देखिए पत्थर की जो कठोरता होती है 2.6 से जनरली 2.9 तक होती है। ठीक है, इसी को माना जाता है कि जो बिल्डिंग बिल्डिंग निर्माण के लिए ये मतलब महत्वपूर्ण होती हैं। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। इसका एक्सप्लेनेशन है, निर्माण सामग्री के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पत्थर का विशिष्ट भार 2.7 से कम नहीं हो लिया जाता है। पत्थर की इकाई भार जितना अधिक होगा वह पत्थर उतना ही अधिक सामर्थ्यवान होता है। एक अच्छे इमारती पत्थर की संलग्न सामर्थ्य 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक होना चाहिए। जिन पत्थरों में कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिक मात्रा होती है उन पर अम्लीय प्रभाव तीव्र गति से होता है। मृत्तिका में पत्थर अग्नि के अच्छे अवरोधक व स्लेट और संगमरमर पत्थर विद्युत के अच्छे कुचालक होते हैं। रंध्रमय पत्थर का विशिष्ट भार 2.4 या इससे कम होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से मृदु चट्टानों में सुरंग बनाने के लिए प्रयुक्त विस्फोटक का चयन करें। पहला ऑप्शन है ब्लास्टिंग जिलेटिन, ऑप्शन बी है स्पेशल जिलेटिन, ऑप्शन सी है अमोनिया डायनाइट, ऑप्शन डी है सेमी जिलेटिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी अमोनिया डायनामाइट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों, मृदु चट्टानों में सुरंग बनाने के लिए विस्फोटक के रूप में अमोनिया डायनामाइट का प्रयोग किया जाता है। यह अति ज्वलनशील पाउडर होता है जिसमें 75% नाइट्रोग्लिसरीन और 25% महीन बालू को मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चिमड़पन परीक्षण निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब चिमड़पन परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है अंतिम क्रशिंग क्षमता, ऑप्शन बी है कठोरता या टफनेस, ऑप्शन सी है लचीलापन, ऑप्शन डी है दृढ़ता या टेंसिटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन है इंजीनियरिंग कार्यों, जलीय संरचनाओं, भवनों तथा सड़क कार्यों के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले पत्थरों की जांच तथा परख करना आवश्यक होता है। यह जांच प्रयोगशाला में की जाती है। पत्थरों का मुख्य परीक्षण निम्न है, विशिष्ट गुरुत्व परीक्षण। विशिष्ट गुरुत्व परीक्षण यह है, यह परीक्षण पत्थर की इकाई भार ज्ञात करने के लिए किया जाता है। जल अवशोषण क्षमता, पत्थरों में रंध्रों को ज्ञात करने के लिए यह परीक्षण किया जाता है। चिरस्थायी परीक्षण, पत्थर का टिकाऊपन ज्ञात करने के लिए किया जाता है। कठोरता परीक्षण, पत्थर की कठोरता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अपघर्षण परीक्षण दोस्तों, या पत्थर का घिसन प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किया जाता है। समघात परीक्षण चिमड़पन के लिए किया जाता है। सन्निघर्षण परीक्षण घिसन तथा चिमड़पन ज्ञात करने के लिए किया जाता है। संलग्न सामर्थ्य परीक्षण दोस्तों,
पत्थर की संपीड़न सामर्थ्य के लिए किया जाता है। स्मिथ परीक्षण पत्थर पर कीचड़ की उपस्थिति का पता लगाने के लिए स्मिथ परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। बंधन परीक्षण कणों का आपसी बंधन ज्ञात करने के लिए बंधन परीक्षण किया जाता है। अम्ली परीक्षण अम्ली गैसों का प्रभाव ज्ञात करने के लिए अम्ली परीक्षण किया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से पत्थर की संपीड़न सामर्थ्य किस पर निर्भर नहीं करती है। पहला ऑप्शन है बनावट, ऑप्शन बी सुकारता, ऑप्शन सी है विशिष्ट गुरुत्व, ऑप्शन डी है बनावट और विशिष्ट गुरुत्व दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वर्कबिलिटी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। इसका एक्सप्लेनेशन है दोस्तों, पत्थर की संलयन सामर्थ्य परीक्षण पत्थर की संपीड़न सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यह परीक्षण संपीड़न परीक्षण मशीन द्वारा किया जाता है। पत्थर की संपीड़न सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए उसको 24 घंटे पानी में डुबोने के बाद 140 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की दर से भार लगाकर ज्ञात किया जाता है। अतः पत्थर की संपीड़न सामर्थ्य किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में व्यक्त किया जाता है। पत्थर की चरम संलयन सामर्थ्य का फार्मूला होता है संलयन भार अपान भारित सतह। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। बालू पत्थर निम्नलिखित होता है, ऑप्शन ए है अवसादी शैल, ऑप्शन बी कायांत्रित शैल, ऑप्शन सी है इग्नीशियस रॉक, ऑप्शन डी है ज्वालामुखी शैल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सेडिमेंटरी रॉक। सेडिमेंटरी रॉक का उदाहरण है बालू पत्थर। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है बलुआ पत्थर अवसादी चट्टानों से प्राप्त किया जाता है जो स्थित और सिलिकामय होता है। इसको तोड़ने पर इसके अंदर बालू के कण चमकते हैं। इसकी सामर्थ्य 650 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 35 से 55 मेगा न्यूटन पर इसकी सामर्थ्य 650 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 35 से 55 mn पर मीटर स्क्वायर तथा अपेक्षित घनत्व 2.65 से 2.95 होता है। वह 24 घंटे पानी में डुबोने पर इसकी जल अवशोषण क्षमता 5 से 6% होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन भवनों में सजावटी कार्य के लिए उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए ग्रेनाइट, ऑप्शन बी बेसाल्ट, ऑप्शन सी स्लेट, ऑप्शन डी डायमंड या हीरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भवनों में सजावटी कार्य के लिए ग्रेनाइट पत्थर का उपयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। इसका एक्सप्लेनेशन है भवनों में सजावटी कार्यों के लिए वास्तुकला के लिए संगमरमर व सूक्ष्म कण वाला बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेनाइट पत्थर को अग्नेय अस्तरित चट्टानों से निकाला जाता है। ग्रेनाइट में मुख्य खनिज क्वार्ट्ज, फेल्सफार तथा अभ्रक है। इसमें सिलिका की मात्रा 60 से 80% होती है। यह पत्थर सजावटी तथा नक्काशी कार्यों के लिए उपयुक्त होता है। इसका विशिष्ट भार 2.6 से 2.7 होता है। जल अवशोषण 0.5 से भी कम होता है। ग्रेनाइट पत्थर की संपीड़न सामर्थ्य 770 से 1300 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर ली जाती है। ग्रेनाइट पत्थर की गिट्टी रेलमार्ग व सड़क के कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से ग्रेनाइट का मुख्य संघटक क्या है। तो पहले ग्रेनाइट का मुख्य संघटक पूछा है दोस्तों, तो ऑप्शन ए है क्वार्ट्ज, फेल्ड स्पार या स्फीति और अभ्रक, और ऑप्शन बी है क्वार्ट्ज और चूना, ऑप्शन सी है क्वार्ट्ज एंड सिलिका, और ऑप्शन डी है सिलिका चूना और एलुमिना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वार्ट्ज, फेल्ड स्पार एंड अभ्रक। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। देखिए ग्रेनाइट पत्थर अग्नेय सिलिका
युक्त अस्थिर चट्टानों से निकाला जाता है। इसमें मुख्य खनिज घटक क्वार्ट्ज तथा माइका होता है। इसमें सिलिका की मात्रा 60 से 80% तक पाई जाती है। महीन कणों वाले ग्रेनाइट पत्थर पर पॉलिश अच्छी होती है। यह एक भारी टिकाऊ और मजबूत पत्थर है। इसमें जल अवशोषण 0.5 से भी कम होता है, इसलिए इसका उपयोग भवनों तथा अन्य महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग का निर्माण कार्यों जैसे जलीय संरचनाओं में, बांध, गोदी कार, पुल, इस प्रायस्तंभ व प्रकाश स्तंभ में किया जाता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्थरों का ज्ञात करने के लिए, मतलब पत्थरों को क्या ज्ञात करने के लिए क्रिस्टली परीक्षण किया जाता है। तो आइए देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन ए है ड्यूरेबिलिटी, ऑप्शन बी है वेदरिंग रेजिस्टेंस, ऑप्शन सी हार्डनेस, ऑप्शन डी है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ड्यूरेबिलिटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पत्थर का चिरस्थायीपन ज्ञात करने के लिए क्रिस्टलन परीक्षण किया जाता है। जिन पत्थरों में मैग्नीशियम कार्बोनेट व कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक होती है उन पर अम्लीय प्रभाव अधिक पड़ता है, अतः पत्थर पर अम्लीय प्रभाव जानने के लिए अम्लीय परीक्षण किया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल का निम्न में से कौन सा गुणधर्म इसकी अधिकतम मात्रा में जल भंडारित करने की क्षमता को परिभाषित करता है। तो पहला ऑप्शन है बनावट, ऑप्शन बी है कठोरता, ऑप्शन सी है सरंधता, ऑप्शन डी है पारगम्यता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी पोरोसिटी, सरंधता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। इसका एक्सप्लेनेशन है चट्टान की सरंधता इसकी अधिकतम मात्रा में जल भंडारित करने की क्षमता को परिभाषित करता है। पत्थर की सरंधता ज्ञात करने के लिए जल अवशोषण परीक्षण किया जाता है, अब किया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वार्टजाइट क्या है। क्वार्टजाइट क्या है? ऑप्शन ए है रेतीली चट्टान, ऑप्शन बी है सिलिकामय चट्टान, ऑप्शन सी है कार्बनिक चट्टान, ऑप्शन डी है चूनामय चट्टान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सिलिकामय चट्टान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्वार्टजाइट चट्टान कायांत्रित स्थिरित व सिलिकामय चट्टान होती है। जब सिलिकामय बलुआ पत्थर अपनी काया बदलने के बाद क्वार्टजाइट पत्थर में परिवर्तित हो जाता है तो यह क्वार्टजाइट पत्थर कहलाता है। यह पत्थर बलुआ पत्थर से अधिक सामर्थ्यवान व टिकाऊ होता है। इसका विशेष प्रयोग रूबल चिनाई कार्यों में किया जाता है। यह तोड़ने पर विशेष चमक उत्पन्न करता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यतः क्वार्टज एंड फेल्सफार कणों से संयोजित ग्रेनाइट किससे प्राप्त होते हैं। तो पहला ऑप्शन है तलछटी चट्टान, ऑप्शन बी है कायांत्रित चट्टान, ऑप्शन सी है अग्नेय चट्टान, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अग्नेय चट्टान, इग्निशियस रॉक। ठीक है, ऑप्शन सी अग्नेय चट्टान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ग्रेनाइट यह एक अग्नेय चट्टान होती है जो प्लूटोनिक चट्टान के अंतर्गत आती है। इसमें क्वार्ट्ज 20 से 60% तथा फेल्सफार 35% कणों की अधिकता होती है। इसका विशिष्ट गुरुत्व 2.65 से 2.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तथा संपीड़न सामर्थ्य 1300 से 770 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। यह सफेद, गुलाबी तथा भूरे रंग में मिलता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मा और अत्यधिक दाब के कारण मूल संरचना में परिवर्तित के कारण बनी चट्टानें क्या कहलाती हैं। ऊष्मा और अत्यधिक दाब के कारण मूल संरचना में परिवर्तन के कारण बनी चट्टानें क्या कहलाती हैं। आइए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए है सेडिमेंटरी रॉक, ऑप्शन बी इग्नेशियस रॉक, ऑप्शन सी मेटामॉर्फिक रॉक और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कायांत्रित चट्टान। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन।
देखिए एक्सप्लेनेशन है इसका, अग्नेय चट्टान या पिघले हुए मैग्मा ऑक्सीजन और सिलिकॉन की अधिकता के शीतलन और क्रिस्टलीकरण के फलस्वरूप बनता है, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप, डोलोमाइट। ये इग्निशियस रॉक के एग्जाम्पल हैं, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप, डोलोमाइट आदि। तलछटी चट्टान क्या होती हैं? सेडिमेंट्री रॉक। तो ये पृथ्वी की सतही प्रक्रियाओं, अपक्षय, क्षरण, बारिश, हवा, लहर क्रिया, महासागर परिसंचरण के कारण इसकी उत्पत्ति होती है, जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर। सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर। ठीक है, आइए देखते हैं कायंत्रित चट्टान, जिसे मेटामॉर्फिक रॉक भी बोलते हैं। इनकी मूल बनावट, संरचना और खनिज उच्च दबाव और तापमान के कारण बदल जाती है, जैसे नीज, संगमरमर, क्वार्टजाइट आदि। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्फोटन या ब्लास्टिंग के लिए विस्फोटक आमतौर पर के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है, किसके संदर्भ में व्यक्त किया जाता है? तो ऑप्शन ए है विस्फोटक शक्ति, ऑप्शन सी बी है खुदाई का आयतन जिस पर विस्फोट किया जा सकता है, ऑप्शन सी है किलोग्राम, और ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किलोग्राम। ठीक है, विस्फोटन के लिए विस्फोटक आमतौर पर किलोग्राम के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी किलोग्राम। ठीक है, आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन है विस्फोटक के लिए विस्फोटक पदार्थ आमतौर पर किलोग्राम के संदर्भ में लिया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे सिलिकामय चट्टान कहते हैं? ऑप्शन ए है स्लेट, ऑप्शन बी है चूना पत्थर, ऑप्शन सी है लैटेराइट, ऑप्शन डी है ग्रेनाइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी ग्रेनाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। सिलिकामय चट्टान में सिलिका मूल घटक के रूप में विद्यमान रहता है। रासायनिक वर्गीकरण के अनुसार ग्रेनाइट, बेसाल्ट, नाइस, बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट, सरपेंटाइन इत्यादि सिलिकामय चट्टानें होती हैं, जबकि स्लेट व लैटेराइट मृत्तिकामय चट्टानों की श्रेणी में आते हैं। वह चूनामय चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था एक बार फिर से। निम्न में से किसे सिलिकामय चट्टान कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रेनाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों उत्खनन में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? उत्खनन में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? पहला ऑप्शन है गन पाउडर, ऑप्शन बी है गन काटन, ऑप्शन सी है मार्बल पाउडर, ऑप्शन डी है डायनामाइट। देखिए दोस्तों मार्बल पाउडर का यूज नहीं करते हैं, गन पाउडर और गन काटन डायनामाइट का यूज करते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संगमरमर चूर्ण मार्बल पाउडर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। प्रकृति में जिस स्थान से पत्थर निकाला जाता है वह पत्थर की खदान क्वारी कहलाती है, तथा पत्थर निकालने की क्रिया को उत्खनन क्वारिंग कहते हैं। उत्खनन में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ विस्फोटक पदार्थ, बारूद, डायनामाइट, डिटोनेटर व विस्फोटक जिलेटिन, बारूदी कपास, कोर्डाइट, राक एराक, गन काटन इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भूगोलिक वर्गीकरण के अनुसार चट्टानों को तीन विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है, अग्नेय चट्टाने, अवसादी चट्टाने तथा रूपांतरित चट्टाने। ग्रेनाइट, बेसाल्ट तथा डोलोमाइट इत्यादि चट्टाने किस श्रेणी में आती हैं? ग्रेनाइट, बेसाल्ट और डोलोमाइट ये किस चट्टाने में आएंगी? तो पहला ऑप्शन है इसका अग्नेय चट्टान, ऑप्शन बी है अवसादी चट्टान, ऑप्शन सी है स्तरीकृत चट्टाने स्ट्रेटिफाइड रॉक जिसे बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए इग्निशियस रॉक। ग्रेनाइट, बेसाल्ट तथा डोलोमाइट ये इग्निशियस रॉक के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। इसका एक्सप्लेनेशन है भूगोलिक वर्गीकरण के अनुसार चट्टानों को तीन विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है, अग्नेय चट्टाने, अवसादी चट्टाने तथा रूपांतरित चट्टाने। ग्रेनाइट, बेसाल्ट तथा डोलोमाइट आदि अग्नेय चट्टाने हैं, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, लैटेराइट आदि अवसादी चट्टाने हैं, तथा नाइस, संगमरमर, ग्रेनाइट, स्लेट आदि रूपांतरित चट्टानों के अंतर्गत आते हैं, जबकि चट्टानों के रासायनीकरण
रासायनिक वर्गीकरण के अनुसार ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रेफ, नाइस, बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट इत्यादि सिलिकमय चट्टानों की श्रेणी में आते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा पत्थर का गुण रखता है? निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा पत्थर का गुण रखता है? तो पहला ऑप्शन है इस जिसकी मतलब इसकी संलग्न सामर्थ्य 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक होती है। ऑप्शन बी है, विशिष्ट गुरुत्व 2.6 से ज़्यादा होना चाहिए। पत्थर को प्रयोग करने से पहले अच्छी अच्छी प्रकार संशोषण करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर, तीनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा अच्छा पत्थर का गुण रखता है। पहला ऑप्शन है इसकी संलग्न सामर्थ्य 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक होती है। इसके विशिष्ट गुरुत्व 2.6 से ज़्यादा होना चाहिए, ये भी सही है। पत्थर को प्रयोग करने से पहले अच्छी प्रकार संशोषण करना चाहिए। तो ये तीनों ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, इसलिए इसका करेक्ट ए बी सी तीनों सही हो जाएगा। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। इसका एक्सप्लेनेशन है, अच्छे पत्थर के निम्नलिखित गुण हैं। फर्स्ट, संलग्न सामर्थ्य 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक हो। ऑप्शन सेकंड, दूसरा नंबर, विशिष्ट गुरुत्व 2.6 से ज़्यादा होने चाहिए। तीसरा नंबर है, पत्थर को प्रयोग करने से पहले अच्छी तरह संशोषण करना चाहिए। नंबर चार, अच्छे इमारती पत्थर की जल अवशोषण क्षमता अपने शुष्क भार का 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ओ नंबर फाइव है, अच्छा इमारती पत्थर विद्युत का कुचालक होना चाहिए। स्लेट और संगमरमर विद्युत के अच्छे कुचालक होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खुद से पानी संचारित करने के लिए एक पत्थर या असंपीड़ित तलछट की क्षमता जबकि इसकी चौड़ाई इकाई हाइड्रोलिक ढाल के तहत पूरी गहराई पर विचार किया गया हो को कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है पारगम्यता, ऑप्शन बी है योग्यता, ऑप्शन सी है विशिष्ट उपज, ऑप्शन डी है विशिष्ट प्रतिधारण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रांसमिसिबिलिटी योग्यता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है पारगम्यता किसे कहते हैं, देखिए इसको समझ लेते हैं पहले। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें उसमें से पानी अथवा कोई अन्य द्रव बह सकता है, पारगम्यता कहलाता है। संरंध्र पदार्थों पोरस मटेरियल में परस्पर संबंधित रंध्र स्थान होते हैं जिसमें से पानी का प्रवाह हो सकता है। अब योग्यता देख लेते हैं दोस्तों। किसी पत्थर या असंपीड़ित तलछट की क्षमता जिसके कारण वह खुद से पानी संचारित करता है जबकि इसकी चौड़ाई और पूरी गहराई पर विचार किया गया है, योग्यता कहलाती है। और विशिष्ट उपज देख लेते हैं दोस्तों। स्पेसिफिक यील्ड, मिट्टी के रंध्रों में उपस्थित वह पानी जो गुरुत्व प्रभाव में स्वतंत्रता पूर्वक बह सकता है, विशिष्ट उपज या प्राभव कहलाता है। और विशिष्ट प्रतिधारण देख लेते हैं। स्पेसिफिक रिटेंशन, इसकी इकाई आयतन मृदा से संबंध पानी का आयतन अपेक्षिक धारण विशिष्ट प्रतिधारण कहलाता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल क्या है, क्या होता है सिंगल क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है जलबाद्ध कंकड़, ऑप्शन बी विघटित लेटराइट, ऑप्शन सी क्रस्ट ग्रेनाइट और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, जल बाध्य कंकड़। सिंगल क्या होता है? तो जलबाद्ध कंकड़ होता है सिंगल। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। सिंगल एक गोल मटोल, छोटे भाटे अथवा कंकरी आकार का पत्थर होता है जो जलबाद्ध कंकड़ भी कहलाता है या कंकरी के नाम से भी जाना जाता है। सबसे छोटी कंकरी 6 mm से 30 mm तक ग्रेवल कहलाती है। इससे बड़ी सिंगल तथा बड़े भाटे बोल्डर के नाम से जाने जाते हैं। ये सड़क गिट्टी तथा कंक्रीट में मिलावट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस कारण से भवन निर्माण में पत्थर के उपयोग में कमी आई है? किसके कारण भवन निर्माण में पत्थर के उपयोग में कमी आई है? तो आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है स्टील और आरसीसी कम भारी और अधिक टिकाऊ होते हैं। ऑप्शन बी है पत्थर की सामर्थ्य का
युक्ति संगत विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन सी है, मैदानों में पत्थर आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं। और ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी इसका कारण है। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन है, पत्थर विभिन्न संरचनाओं, रूपों, रंगों, गुणों एवं आकार में उपलब्ध होता है। प्रायः इसके गुण उस चट्टान पर निर्भर करते हैं करता है जिससे यह काट कर या खोद कर निकाला गया है। ग्रेनाइट पत्थर सबसे अधिक कठोर होता है जबकि सरपेंटाइल पत्थर बहुत नरम होता है। बलुआ पत्थर पर नकाशी कार्य आसानी से हो जाता है जबकि बेसाल्ट एवं ट्रैप इस कार्य के लिए योग्य नहीं है। पत्थर कठोर, सामर्थ्यवान व टिकाऊपन निर्माण पदार्थ हैं। भवनों की नींव, दीवारों, स्तंभों, लिंटलों, डाटों, फर्शों, सीलन रोधक चपटी छतों में पट्टियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में आसानी से उपलब्ध हो जाने के कारण यह सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। यह इस्पात व आरसीसी से भारी तथा मैदानी क्षेत्रों में आसानी से उपलब्ध न हो पाने के कारण इसका उपयोग कम हो गया है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मृत्तिकामय चट्टानों का प्रमुख घटक क्या होता है। पहला ऑप्शन है लाइम, ऑप्शन बी क्ले, ऑप्शन सी सैंड, ऑप्शन डी डोलेमाइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी क्ले। मृत्तिकामय चट्टान का प्रमुख घटक क्ले, चिकनी मिट्टी होती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। मृत्तिकामय चट्टानों में मृत्तिका या एलुमिना प्रधान घटक के रूप में पाया जाता है। इसमें सिलिका, चूना इत्यादि की मात्रा आंशिक रूप में पाया जाता है। मृत्तिकामय चट्टानें पर्याप्त सघन व कठोर होती हैं परंतु भंगुर होती हैं या आघात या झटकों को सहन नहीं कर पाते हैं। स्लेट, लैटेराइट, सिस्ट इत्यादि पत्थर मृत्तिकामय चट्टानों से प्राप्त किए जाते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क के काम में इस्तेमाल होने वाले पत्थर की कठोरता गुणांक किससे अधिक होना चाहिए। 17 से, 10 से, 15 से, 12 से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 से। ठीक है, सड़क के काम में इस्तेमाल होने वाले पत्थर की कठोरता गुणांक किससे अधिक होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 17 से अधिक होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। इसका एक्सप्लेनेशन है, पत्थर की कठोरता गुणांक ज्ञात करने के लिए अपघर्षण परीक्षण किया जाता है। जिस पत्थर का कठोरता गुणांक ज्ञात करना हो उसका 25 mm व्यास एवं 25 mm ऊंचाई का एक सिलेंडर नुमा प्रतिदर्श तैयार किया जाता है। पत्थर का कठोरता गुणांक निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। कठोरता गुणांक बराबर 20 - प्रतिदर्श के भार में कमी जितनी आई है अपान 3। ठीक है, तो इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं कठोरता गुणांक। ठीक है, और देखते हैं, यदि कठोरता गुणांक का मान 0 से 14 के मध्य है तो पत्थर मुलायम है और सड़क की गिट्टी के लिए अनुपयुक्त है। ठीक है, यदि कठोरता गुणांक का मान 14 से 17 है तो पत्थर मध्यम कठोर है और 17 से ऊपर पत्थर उच्च कठोर होता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलछटी चट्टान की उपश्रेणी है। तलछटी चट्टान की उपश्रेणी है, ऑप्शन ए है वॉल्केनिक एंड प्लूटोनिक, ऑप्शन बी है मैकेनिकल, केमिकल, ऑर्गेनिक, ऑप्शन सी है वोल्केनिक एंड प्लूटोनिक, ऑप्शन बी है यांत्रिक, रासायनिक, कार्बनिक, ऑप्शन सी है अंतर्वेदी, बहिर्वेदी, ऑप्शन डी है स्त्रीकृत, अस्त्रित। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यांत्रिक, रासायनिक, कार्बनिक। ठीक है, ये तलछटी चट्टान की उपश्रेणी है। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, तलछटी चट्टाने पतली परतदार रचना वाली होती हैं जिन्हें इनके तल पर आसानी से अलग किया जाता है। यह द्वितीयक चट्टाने हैं जो इनके पूर्व निर्मित चट्टानों के विघटन से बनती है। इन चट्टानों को स्त्रित चट्टाने भी कहते हैं। तलछटी चट्टाने बालू, सिल्ट, कंकड़ मृदा इत्यादि के
कंकण, मृदा इत्यादि के कण इनसे अलग होकर विभिन्न प्राकृतिक माध्यमों जैसे वर्षा, आंधी तथा गुरुत्व बल इत्यादि से ऊंचे स्थान से निचले स्थानों झील में आकर एकत्रित हो जाते हैं और पानी तथा ऊपरी परतों के दाब से जमकर जुड़कर तथा कठोर होकर नई प्रकार के चट्टानों को जन्म देती है। ऐसी चट्टानों को तलछटी चट्टान कहते हैं। इसकी उपश्रेणी यांत्रिक, रासायनिक तथा कार्बनिक होती है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, जिप्सम, लैटराइट इत्यादि तलछटी चट्टानों से प्राप्त होते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम पत्थरों की कार्य सीमा में विशिष्ट गुरुत्व को धारण करते हैं। पहला ऑप्शन है 1 से 1.5, ऑप्शन बी है 1.5 से 2 और ऑप्शन सी है 2.4 से 2.8, ऑप्शन डी है 3 से 4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2.4 से 2.8। ठीक है, क्वेश्चन था दोस्तों अधिकतम पत्थरों 2.4 से 2.8 की कार्य सीमा में विशिष्ट गुरुत्व को धारण करते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.4 से 2.8। तो आइए इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, अपेक्षित घनत्व पत्थरों के भार को प्रदर्शित करता है। अधिकतर पत्थरों की विशिष्ट गुरुत्व 2.4 से 2.8 के बीच होती है। एक खोखले तथा खुली बनावट के जैसे बलुआ पत्थर का अपेक्षित घनत्व 2.4 होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलुआ पत्थर की संपीड़न सामर्थ्य निम्नलिखित होती है। पहला ऑप्शन है 800 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी है 650 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है 550 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी है 400 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 650 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 650 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए, बलुआ पत्थर की संपीड़न सामर्थ्य पूछा था दोस्तों, तो बलुआ पत्थर की संपीड़न सामर्थ्य 650 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए, बलुआ पत्थर यह तलछटी चट्टानों से प्राप्त होता है। यह पत्थर स्त्रित और सिलिकामय है। इसका जल अवशोषण 5 से 6% तक होता है तथा इसकी संपीड़न सामर्थ्य 650 kg/cm² होती है। चूना पत्थर देख लेते हैं दोस्तों। चूना पत्थर तलछटी स्त्री व चूनामय चट्टानों से निकाला जाता है। इसकी जल अवशोषण 1 से 4% तथा संपीड़न सामर्थ्य 550 kg/cm² ली जाती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेग्माटाइट का एक उदाहरण है। पेग्माटाइट किसका उदाहरण है ये पूछा है दोस्तों। पहला ऑप्शन है तलछटी चट्टान जिसे सेडिमेंटरी रॉक बोलते हैं, ऑप्शन बी है बहिर्वेदी अग्नेय चट्टान और ऑप्शन सी है अंतर्वेदी अग्नेय चट्टान, ऑप्शन डी है रूपांतरित चट्टान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंतर्वेदी अग्नेय चट्टान। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। देखिए, अग्नेय चट्टान की रचना चट्टान के पिघले हुए पदार्थ जिसे मैग्मा कहते हैं, जो कि भूमि तल से अज्ञात गहराई पर पाया जाता है, से होती है। यह पदार्थ पृथ्वी से बाहर आने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है। जब इस पदार्थ का दबाव पृथ्वी या चट्टान के प्रतिरोध से अधिक हो जाता है तो पृथ्वी फट जाती है तथा यह पदार्थ लावा के रूप में पृथ्वी से बाहर आ जाता है। इस क्रिया को ज्वालामुखी का फटना कहते हैं। जब यह लावा ठंडा होता है तो एक ठोस चट्टान की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार बनी चट्टान को अग्नेय चट्टान कहते हैं। ग्रेनाइट, बेसाल्ट तथा ट्रैप आदि इसी चट्टान के अंतर्गत आते हैं। ग्रेनाइट, पेग्माटाइट अंतर्वेदी अग्नेय चट्टान कहलाती है, जबकि बेसाल्ट व ट्रैप बहिर्वेदी अग्नेय चट्टान कहलाती है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। तलछट चट्टानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी प्रक्रिया को पहचानिए। पहला ऑप्शन है पृथ्वी की सतह और नीचे सिलिकेट के पिघले द्रव्यमान का ठोसीकरण, ऑप्शन बी है उच्च तापमान और भारी दबाव के कारण तलछट और अग्नेय चट्टानों के बनावट और खनिज संयोजन में बदलाव, ऑप्शन सी है भूगर्भी समय के साथ रेत और सिल्ट के कण की निक्षेपित चट्टानों पर बहुत अधिक दबाव, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी भूगर्भी समय के साथ रेत और सिल्ट के कण की निक्षेपित चट्टानों पर बहुत अधिक दबाव। ठीक है, क्वेश्चन क्या था एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, क्वेश्चन
पूछा गया था, तलछट चट्टानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी प्रक्रिया को पहचानना था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, भूगर्भी समय के साथ रेत और सिल्ट के कण की निक्षेपित चट्टान पर बहुत अधिक दबाव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तलछटी चट्टानें पतली परतदार रचना वाली होती हैं, जिन्हें इनके तल पर आसानी से अलग किया जाता है। यह द्वितीयक चट्टानें होती हैं जो इनके पूर्व निर्मित चट्टानों के विघटन से बनती हैं। इस चट्टानों को स्थिर चट्टानें भी कहते हैं। तलछटी चट्टानें बालू, सिल्ट, कंकड़, मृदा इत्यादि के कण इनसे अलग होकर विभिन्न प्राकृतिक माध्यमों जैसे वर्षा, आंधी तथा गुरुत्व बल इत्यादि से ऊंचे स्थान से निचले स्थानों झील में आकर एकत्रित हो जाते हैं और पानी तथा ऊपरी परतों के दाब से जमकर जुड़कर तथा कठोर होकर नई प्रकार के चट्टानों को जन्म देती हैं। ऐसी चट्टानों को तलछटी चट्टान कहते हैं। तलछटी चट्टानों का निर्माण भूगर्भी समय के साथ रेत और रेत के कण की निक्षेपित चट्टानों पर बहुत अधिक दाब के कारण होती है, जबकि कायंत्रित चट्टान अत्यधिक ताप व दाब दोनों के कारण होती है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, जिप्सम इत्यादि तलछटी चट्टानों के सेडिमेंटरी रॉक के उदाहरण है। कौन कौन? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, जिप्सम। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर की धारण मान निर्धारित किया जाता है। पहला ऑप्शन है अपघर्षण परीक्षण से, ऑप्शन बी है संलग्न परीक्षण, ऑप्शन सी चीमण परीक्षण, ऑप्शन डी है सन्निघर्षण परीक्षण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सन्निघर्षण एट्रिशन टेस्ट। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि पत्थर की धारण मान निर्धारित किया जाता है किससे, तो सन्निघर्षण परीक्षण ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। तो सन्निघर्षण परीक्षण द्वारा पत्थरों की कठोरता, चीमड़पन तथा उनकी आपसी अपघर्षण ज्ञात किया जाता है और विशेष तौर पर सड़क गिट्टी के लिए वांछनीय परीक्षण होता है। जब यह परीक्षण किया जाता है तो अपघर्षण तथा समघात परीक्षण नहीं किया जाता है। यह अर्थात सन्निघर्षण परीक्षण द्वारा पत्थर की अपघर्षण तथा चीमड़पन भी ज्ञात होता है। अच्छे पत्थर के लिए अपघर्षण मान 2% तथा निम्न कोटि के पत्थर के लिए अपघर्षण का मान 5% लिया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। सेल की कायांतरित क्रिया के बाद किस तरह के पत्थर का निर्माण होता है? तो पहला ऑप्शन है सैंडस्टोन, ऑप्शन बी है स्लेट, ऑप्शन सी ग्रेनाइट, ऑप्शन डी है लाइमस्टोन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी स्लेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। इसका एक्सप्लेनेशन है, अग्नि अथवा तलछटी चट्टाने जब उच्च दाब एवं ताप के कारण अपनी काया या मूल रूप बदल लेती है तो ऐसी चट्टान कायांतरित चट्टान कहलाती हैं। कायांतरित चट्टानें कठोर व टिकाऊ होती हैं। कायांतरण के कारण ग्रेनाइट जो अग्नि चट्टान है नीज में बदल जाती हैं। चूना पत्थर कायांतरण के बाद संगमरमर में बदल जाता है। बलुआ पत्थर कायांतरण के बाद क्वार्टजाइट में बदल जाता है। सेल पत्थर कायांतरण के बाद स्लेट पत्थर का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्फोट से निकलने वाले लावा में लगभग क्या सम्मिलित है? तो पहला ऑप्शन है 45% कैल्शियम ऑक्साइड और 35% सिलिका, ऑप्शन बी है 25% कैल्शियम ऑक्साइड और लगभग 35% सिलिका, ऑप्शन सी है 25% कैल्शियम सल्फेट और 15% एलुमिना, ऑप्शन डी है 50% एलुमिना और 20% कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45% कैल्शियम ऑक्साइड तथा 35% सिलिका होता है विस्फोट से निकलने वाले लावा में। ठीक है, लावा में 45% कैल्शियम ऑक्साइड और 35% सिलिका होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। विस्फोट से निकलने वाले लावा में लगभग 45% कैल्शियम ऑक्साइड जिसे चूना कहते हैं और 35% सिलिका की मात्रा पाई जाती है। यह लावा जमीन की दरारों छिद्रों फटानों से ज्वालामुखी के फूटने पर बाहर निकलता है जो ठंडा होकर ठोस चट्टानों में परिवर्तित हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलुआ पत्थर की बनावट होती है
बलुआ पत्थर की बनावट होती है। पहला ऑप्शन है क्रिस्टली दानेदार, ऑप्शन बी सुसंगठित, ऑप्शन सी संवहनी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए क्रिस्टली दानेदार। बलुआ पत्थर की बनावट क्रिस्टली दानेदार होती है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। देखिए बलुआ पत्थर की बनावट क्रिस्टली व दानेदार होती है। यह तलछटी चट्टानों से प्राप्त किया जाता है जो कि स्तरित व सिलिकामय होती है। पत्थर को तोड़ने पर इसके अंदर बालू के कण चमकते चमकते दिखाई देते हैं या क्वार्ट्ज के गोल कणों जो सिलिकामय व चूनामय पदार्थों के कारण जुड़े रहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी सुरंग निर्माण प्रक्रिया में निम्नलिखित गतिविधियों की जाती है, सही क्रम का चयन करें। विस्फोटन, ड्रिलिंग, कंक्रीटन, मलबा भरण। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए दोस्तों सबसे पहले ड्रिलिंग करेंगे, फिर विस्फोटन, फिर मलबा भरण करेंगे, फिर कंक्रीटिंग करेंगे लास्ट में। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए सब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। किसी सुरंग निर्माण प्रक्रिया में क्रमिक रूप से निम्न प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। पहला क्रिया करेंगे ड्रिलिंग की, विस्फोटन की, फिर मलबा भरण की, फिर कंक्रीटन। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कठोरता गुणांक पता लगाए यदि डोरी घर्षण परीक्षण के रूप में वजन में कमी 25 ग्राम हो। तो देखिए दोस्तों इसका इस फार्मूले से निकाल लेंगे। कठोरता गुणांक 20 माइनस प्रतिदर्श के भार में कमी अपान 3। यहाँ से हम यहाँ कमी 25% है, 25 ग्राम है दोस्तों, तो 25 रख देंगे प्रतिदर्श के भार में कमी। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 11.6 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकार का पत्थर, किस प्रकार का पत्थर प्रकृति में रूपांतरित और संरचना में स्थिरित है। तो पहला ऑप्शन है लैटेराइट, ऑप्शन बी है नीज, ऑप्शन सी ग्रेनाइट, ऑप्शन डी है ट्रैप एंड बेसाल्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी नीज। नीज प्रकार का पत्थर प्रकृति में रूपांतरित और संरचना में स्थिरित है। ठीक है, आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन दोस्तों। इसका एक्सप्लेनेशन है वह अग्नि चट्टाने जो उच्च ताप एवं अत्यधिक दाब के कारण अपना मूल रूप बदल लेती है मेटामॉर्फिक रॉक कहलाती हैं। कायांतरित चट्टाने कठोर व टिकाऊ होती हैं। कायांतरण के कारण ग्रेनाइट जो अग्नि चट्टान है नीज में बदल जाती हैं। चूना पत्थर जो तलछटी चट्टान है संगमरमर में बदल जाता है। सिल पत्थर जो कायांतरण के बाद स्लेट पत्थर का रूप धारण कर लेता है, जबकि लैटेराइट पत्थर तलछटी अथवा अवसादी चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। ट्रैप बेसाल्ट तथा ग्रेनाइट पत्थर अग्नि चट्टान के अंतर्गत आते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट है क्वार्ट्जाइट और मार्बल श्रेणी के रूप में है। पहला ऑप्शन है कायांतरित, ऑप्शन बी ज्वालामुखी, ऑप्शन सी अवसादी, ऑप्शन डी है बितली। ठीक है, प्लूटोनिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए मेटामॉर्फिक रॉक। क्वार्ट्जाइट एंड मार्बल जो है मेटामॉर्फिक रॉक के उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्वार्ट्जाइट तथा संगमरमर पत्थर रूपांतरित पत्थर होता है। चूना पत्थर उच्च दाब तथा अत्यधिक ताप के कारण संगमरमर पत्थर में रूपांतरित हो जाता है। वह बलुआ पत्थर कायांतरण के पश्चात क्वार्ट्जाइट में रूपांतरित हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसमें कम इकाई भार होता है। पहला ऑप्शन है सैंडस्टोन, ऑप्शन बी है ग्रेनाइट, ऑप्शन सी है मार्बल, ऑप्शन डी है बेसाल्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए सैंडस्टोन। ठीक है, पूछा गया था दोस्तों निम्न में से किसमें कम इकाई भार होता है, तो सैंडस्टोन में कम होगा। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। इसका एक्सप्लेनेशन है
बलुआ पत्थर, देखिए बलुआ पत्थर का इकाई भार कम होता है जबकि संगमरमर पत्थर का इकाई भार अधिक होता है। सबसे अधिक इकाई भार बेसाल्ट का होता है जबकि ग्रेनाइट पत्थर का विशिष्ट भार बेसाल्ट से कम होता है। बलुआ पत्थर तलछटी चट्टानों से प्राप्त होता है। बलुआ पत्थर कायांतरण के बाद क्वार्ट्ज़ाइट में बदल जाता है। यह पत्थर स्थिर चट्टान के अंतर्गत आता है। आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनाइट को ताप और दाब के अधीन निम्न में बदला जा सकता है। पहला है ऑप्शन मार्बल, ऑप्शन बी स्लेट, ऑप्शन सी नाइस नाइस और ऑप्शन डी है क्वार्ट्ज़ाइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी नाइस में, ठीक है, जिसे नीज भी बोलते हैं। ग्रेनाइट को ताप और दाब के अधीन निम्न दाब में बदला जा सकता है, तो नीज में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नीज। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। ताप और दाब के अधीन ग्रेनाइट पत्थर नाइस में बदला जाता है। कायांतरण के कारण निम्न पत्थर कायांतरित पत्थर के रूप में जाने जाते हैं। पहला है, देख लेते हैं कौन किस में बदलता है। ग्रेनाइट पत्थर का कायांतरण के बाद नीज हो जाता है। बलुआ पत्थर कायांतरण के बाद क्वार्टजाइट में बदल जाता है। और चूना पत्थर कायांतरण के बाद संगमरमर में बदल जाता है। सेल पत्थर कायांतरण के बाद स्लेट में बदल जाता है, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमारत के खंभों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पत्थर है। इमारत के खंभों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पत्थर है ये पूछा है। तो पहला ऑप्शन है संगमरमर, ऑप्शन बी है चूना पत्थर, ऑप्शन सी ग्रेनाइट, ऑप्शन डी रेत पत्थर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी ग्रेनाइट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ग्रेनाइट पत्थर अस्थिर अग्नेय चट्टानों से प्राप्त किया जाता है जिसकी संपीड़न सामर्थ्य 770 से 1300 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इसमें सिलिका का मात्रा 60 से 80% पाई जाती है। इसमें पॉलिश अच्छी तरह से की जाती है। इसका जल अवशोषण 0.5% से कम होता है। इसको बांध, पुल, पोत, घाट व अन्य भारी संरचनाओं में प्रयोग किया जाता है और साथ ही साथ इमारती कार्यों में खंभों के रूप में भी किया जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस में सबसे कम वाहन क्षमता होती है। सबसे कम वाहन क्षमता किस में होती है। पहला है ऑप्शन कठोर सैल, ऑप्शन बी है शिथिल ग्रेवल, ऑप्शन सी है सनहत ग्रेवल, ऑप्शन डी है मृदु सैल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी शिथिल ग्रेवल में सबसे कम वाहन क्षमता होती है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं इसका किस में कितना वाहन क्षमता होती है। तो बियरिंग कैपेसिटी आप लूज ग्रेवल तो जो होती है 250 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। बियरिंग कैपेसिटी आप सॉफ्ट रॉक में 450 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। बियरिंग कैपेसिटी आप हार्ड रॉक में 330 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। और बियरिंग कैपेसिटी आप कम्पैक्ट रॉक में 450 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। रेत कण इससे बने होते हैं। पहला ऑप्शन है माउंट मेरिलोनाइट, ऑप्शन बी है क्वार्ट्स, ऑप्शन सी है काइओलिनाइट, ऑप्शन डी है इलाइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी क्वार्ट्स, ठीक है। रेत कण क्वार्ट्स से बने होते हैं दोस्तों। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। इसका एक्सप्लेनेशन है रेत कण, आइए देख लेते हैं। रेत कण क्वार्ट्स से बने होते हैं। क्वार्ट्स एक सिलिकॉन का ऑक्साइड होता है जिसका विशिष्ट गुरुत्व 2.7 होता है। यह रंगहीन सफेद धूसर काले रंग का होता है। मोह पैमाने पर इसकी कठोरता 7 होती है। यह खनिज अनेक चट्टानों में पाया जाता है। जिन पत्थरों में क्वार्ट्स का प्रतिशत अधिक होता है वे कठोर और टिकाऊ होते हैं। तो दोस्तों वीडियो 1 घंटा से ज़्यादा हो जा रही है दोस्तों। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको जो क्वेश्चन बच रहे हैं उसको करा दूंगा जिससे कि हमारा बिल्डिंग मटेरियल का पहला चैप्टर जो लिया था मैं बिल्डिंग स्टोन वो समाप्त हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। मैं एक वीडियो में 50 क्वेश्चन करवाता हूँ दोस्तों, ठीक है। पहले मैं बिल्डिंग मटेरियल लिया हूँ, इसका पूरा कवर करा के वॉल्यूम फर्स्ट को पूरा करा कवर करा के फिर मैं वॉल्यूम सेकंड को भी बहुत ही शानदार तरीके से कराऊंगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, यदि आप लोग हमारे
इस वीडियो में कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो जरूर कमेंट में आप हमें सुझाव दें, जिससे कि आप की तैयारी को हम और अच्छे तरीके से अच्छे अच्छे कंटेंट ला करके आपकी, आप चाहे एसएससी जेई की या स्टेट जेई की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, चाहे आप एनएचपीसी सिविल जेई और चाहे तो डीडीए डीएफसीसीआईएल, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग की आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो आप हमारे चैनल से जुड़ करके आप अपनी तैयारी को और भी बहुत शानदार बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और हाँ दोस्तों, यदि आप लोग सुझाव ज़रूर दें दोस्तों हमको, जिससे कि हम और भी बेस्ट बेस्ट तरीके से कंटेंट ला करके आपकी तैयारी को और अच्छी कर सकें दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।